हूँ एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। मैंने जो वीडियो बनाया था पहले वो एडिट इसके लिए क्यों नहीं हो रहा है कि मेरे पापा वर्क में बिजी हैं, इसके लिए सॉरी गाइस। चलो अभी हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। वो पहले चेक करते हैं इंग्रेडिएंट्स। पहले देखेंगे हम थोड़ी स्ट्रॉबेरी चाहिए और शुगर पाउडर, मिल्क, और उसके लिए उससे भी ज़्यादा टेस्टी होने के लिए हम चाहिए वेनिला आइसक्रीम। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम स्ट्रॉबेरी, मैंने पापा ने छोटे छोटे कट कर रख दिए हैं और पहले हम थोड़े स्ट्रॉबेरी डालते हैं। चलिए ग्राइंडर, जूस ग्राइंडर है, देखिए आपको ये इतने ही स्ट्रॉबेरी डालने। ओके गाइस, अभी स्ट्रॉबेरी डन हो गए हैं। अभी हम डालेंगे ये शुगर पाउडर, ये आपको 3 स्पून डालने, इतने बड़े स्पून से देखिए 1, 2 एंड लास्ट 3। ये डाल दिया गाइस। अभी उसके बाद हम डालेंगे मिल्क, ये कूल मिल्क है, हाफ ही डालना है, रुक रुक के डालना है बस गाइस। देखो हमें इतना ही बचाना है और उसके बाद डालते हैं थोड़ा और टेस्टी होने के लिए आइसक्रीम। डबल का आइसक्रीम है गाइस, गाइस बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है अभी। पूरा डालना पड़ेगा इसलिए, हाँ बस है। और उसके बाद थोड़ा मैं खा लूंगा। चलिए अभी हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो गाइस हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लिए, आप स्मेल लीजिए, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। अभी हम ग्राइंड करते हैं इसको। चलो मेरे पापा पकड़ लिए। गाइस अभी ये हो गया, वाव ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। तो अभी हम इसको डालते हैं। आइए गाइस, तो गाइस अब मैंने जूस बना लिया है। तो अभी वाव बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, देखते हैं पूरा स्ट्रॉबेरी का स्मेल आ रहा है। तो अभी हम डालेंगे जूस, ये फिल नहीं हो जाता। चलो गाइस आराम से आराम से आराम से आराम से देखा गाइस ब्लॉग ने क्या कमाल किया। ओ गॉड ये तो बहुत कम भर गया। चलो गाइस कुछ नहीं होता, अभी हम थोड़ा स्ट्रॉबेरी लगा देते हैं। देखिए कैसा लग रहा है गाइस आपको हमारा मिल्क शेक। तो गाइस देखा कैसा लगा आपको, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।